फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमी क्रिएटिविटी। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर हमेशा आप सभी के लिए बहुत ही सिंपल क्विक और इजी सा डीआईवाई लेकर आती हूँ। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही क्विक सा डीआईवाई लेकर आई हूँ, जिसे मैं अपने पुराने आर्टिस्ट के राधा किशन और थोड़ी सी ग्रेटर शीट के साथ बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये डीआईवाई आर्ट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने दो कार्डबोर्ड लिए, एक बड़े साइज का कार्डबोर्ड लिया है और एक सर्कल के शेप में मैंने कार्डबोर्ड को कट करके लिया है। फ्रेंड्स, इस सर्कल के शेप वाले कार्डबोर्ड पर मैं एल्युमिनियम फॉइल पेपर को अप्लाई कर दूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फेविकॉल की हेल्प से एल्युमिनियम फॉइल पेपर को कार्डबोर्ड पर अप्लाई कर रही हूँ। सर्कल वाले कार्डबोर्ड को हम ग्लू गन के हेल्प से बड़े वाले कार्डबोर्ड के सेंटर में पेस्ट। फ्रेंड्स, तो ग्लू गन की हेल्प से अब हम राधा कृष्ण को इस सर्कल वाले कार्डबोर्ड के सेंटर में पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो तरह के ग्रीटर शीट से लीफ के पैटर्न को कट करके निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड पर पहले लीफ के पैटर्न को ड्रॉ करके कट किया, उसके बाद इसे फोम शीट पर रखकर इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लीफ के पैटर्न को कट करके निकाल लिया है। साथ ही मैंने छोटे वाले सर्कल से 1/4 इंच का गैप करने के बाद बड़े वाले कार्डबोर्ड पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उस सर्कल पर हम सिल्वर कलर के लीफ के पैटर्न को लगाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ग्लू गन की हेल्प से लीव्स को थोड़ा सा उठाते हुए कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड, तो हमें अपने सारे लीव्स को इसी तरह उठाते हुए चारों तरफ सर्कल के शेप में पेस्ट कर देना है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कार्डबोर्ड पर मैंने सिल्वर कलर की पेटल्स को पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो अपने कार्डबोर्ड को सिंपली ब्लैक कलर से कलर करने के बाद इस तरह पेटल्स को अप्लाई करके इसे किसी भी वॉल पर हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा कार्डबोर्ड पहले से ही ब्लैक कलर का था, इसीलिए मैंने इस पर कलर अप्लाई नहीं किया है। अब मैं इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसे सिंपली इसी तरह हैंग करना चाहते हैं तो एलिप्स के पैटर्न के पास जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है उसे कट करके निकाल दीजिएगा और किसी भी रोप की हेल्प से इसे हैंग कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर अपनी ग्रीन पेटल्स को कार्डबोर्ड पर पेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इन पेटल्स को भी हमें उठाते हुए ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए पीछे वाली दोनों पेटल्स के बीच में हमें ग्रीन पेटल्स को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, तो अब हम इस तरह की सिल्वर ग्लिटर के छोटी छोटी पेटल्स को इन दोनों ग्रीन पेटल्स के बीच में अप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने सारे पेटल्स को अप्लाई कर दिया है। अब हम अपने एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को कट करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को कट करके निकाल दिया है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है एक लोटस की शेप में। फ्रेंड्स, आप इसे जूट रोप या डबल साइडेड टेप की हेल्प से वॉल पर हैंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो मैंने राधा किशन यूज किया है, ये मेरी पुराने आर्टिस्ट के फ्रेम में था, उसकी फ्रेम खराब हो चुकी थी तो इसे मैंने यहाँ पर रीयूज कर लिया। अगर आपके पास भी इस तरह की राधा कृष्ण की फ्रेम हो और वो खराब हो गई हो तो उसे उठा के रखने की बजाय आप इस तरह से
DIY करें और उसे अपने घर की वॉल पर फिर से डेकोरेट करें। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का DIY पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, साथ ही अगर आपके पास राधा किशन ना हो तो शादी के कार्ड पर भी गणपति जी और राधा किशन बने हुए रहते हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर पेस्ट करके बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का ये राधा किशन DIY वॉल आर्ट पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये DIY पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।